सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो बात करेंगे हम, अगर आप सेकेंड हैंड बाइक लेने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो भैया हो जाने वाले हैं आपके पैसे बर्बाद। क्योंकि बर्बाद तो भैया देखो, अगर आप सेकेंड हैंड बाइक भी परचेज़ करने जाते हैं तो कम से कम 50,000 से तो ऊपर की ही बाइक मिलती है। तो कई बार क्या होता है, हम बाइक बिना ही किसी उसको देखे बिना या उसको टेस्ट राइड किए बिना हम लोग उसको एकदम परचेज़ कर लेते हैं। तो मेरा क्या रिव्यू होगा, मेरा क्या ओपिनियन होगा, क्योंकि मैं भी एक सेकेंड हैंड बाइक ओन करता हूं जो कि अपनी RS 200 है। क्योंकि मैंने भी ये सेकेंड हैंड ही परचेज़ की थी, तो मेरे साथ सामने क्या क्या इशू आए और क्या क्या मेरे को इन चीज़ों को झेलना पड़ा, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे और क्या क्या बातों को ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आप अपने ज़्यादा पैसों को ख़राब ना करें, वेस्ट ना करें, तो सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइक तो जी सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, अपनी बाइक को लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको एयर देखना चाहिए अपनी बाइक को लेने के लिए, कि वो कौन सी एयर की बाइक है और कितनी पुरानी हो चुकी है। तो ज़्यादा पुरानी बाइक लेना बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि देखो अगर बहुत पुरानी बाइक ले रहे हैं, ख़ासतौर से आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हैं, तो स्पोर्ट्स बाइक देखो इंडियन मार्केट में, अरे भाई क्या बात है, टहल रहे हो क्या भैया, टहल रहे हैं बताओ रोड पे। तो जी बात करते हैं कि भाई जब ज़्यादा साल हो जाते हैं ना बाइक को, एक बाइक जैसे मान लीजिए कि अगर 2013 की एक कोई बाइक है, तो अब वो 2023 में भी अगर उस बाइक वो चल रही है, तो आप अगर उसको लेते हैं तो उसकी कंडीशन वाइज को देख के, भाई ऊपर से कंडीशन बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत सही है। तो देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंजन के मामले में और सारे जितने भी पार्ट्स हैं बाइक के उनके मामले में बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है ये वाली चीज़। तो ज़्यादा पुरानी बाइक मत लीजिए। अगर देखो अब अगर आपको लेनी है बाइक, तो कम से कम ये मान लीजिए अगर आप 2023 में अगर कोई सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करने जा रहे हैं, तो कम से कम 2018-2019 तक की बाइक लीजिए, तो वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में मिल जाती है। और इंजन वाइज तो देखो, खैर अगर स्पोर्ट्स बाइक है, देखो हर कोई बंदा बाइक को मतलब एग्रेसिव मोड में चलाता है और उसका फील को एंजॉय करता है। देखो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा अगर उसके पास स्पोर्ट्स बाइक होगी तो उसको वो 100+ नहीं लेके जाएगा। तो ये चीज़ें भूल जाइए कि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक या फिर 200 cc की या फिर 150 cc की बाइक ले रहे हैं उससे ऊपर स्पोर्ट्स बाइक में, तो वो बंदा उस बाइक को रौंदे नहीं भैया। देखो कहते हैं ना थोड़ा सा देसी भाषा में, कि वो उस बाइक को रौंदे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक चीज़ का ध्यान ये रखिए कि क्या नाम है भाई, अपनी बाइक को कम से कम आप 2018 या 2019 के मॉडल को लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मे बी 17 या फिर 80,000 रुपीज़ के अंडर में आ जाएगी आपको बढ़िया कंडीशन में। तो फर्स्ट पॉइंट तो देखो यही हो जाता है, और सेकेंड पॉइंट भैया ये हो जाता है कि अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन ज़रूर कर लीजिए। देखिए जब आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ उसका इंस्पेक्शन ज़रूर कीजिए। इंस्पेक्शन करने से क्या होगा, आप सारी चीज़ों को क्लियरली देखिए कि क्या नाम है, कौन कौन सी चीज़ उसमें ख़राबी तो नहीं है। तो पहले मोड़ लेते हैं भैया, आ जाता है भैया देखो उसके चेजिस नंबर वगैरह देख लीजिए, और इंजन नंबर जो है वो RC पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, लोकल्स मैकेनिक्स क्या करते हैं, तो पार्ट्स वगैरह को थोड़ा सा मिसमैच कर देते हैं, उससे क्या होता है इंजन कोई नंबर का होता है, चेसिस कोई और नंबर की होती है। तो ये मेक श्योर, ये हमेशा याद रखिएगा कि आप इंजन और चेसिस नंबर को देखो, हमेशा देखिए कि वो बाइक बिल्कुल उसी नंबर पे है, उसके RC डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उस पे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो प्लीज़ डोंट बाय ऐसी बाइकों को, ऐसी व्हीकल को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सो दूसरा पॉइंट ये हो गया भाई। देखो तीसरा पॉइंट आ जाता है फिर, आप सबसे पहले अपनी बाइक को चला के देखिए। अगर आप जो ले रहे हैं बाइक, तो उस बाइक को कम से कम 20 या 30 किलोमीटर की राइड पर लेके जाइए। जिस भी ओनर से आप ले रहे हैं तो उससे बोले कि आप मेरे साथ इतने टाइम के लिए चलिए और क्या नाम है, हम देख लेते हैं चला के। तो अगर आप 20 से 30 किलोमीटर तक अगर बाइक चलाते हैं तो उसमें आपको सब पता चल जाता है कि बाइक में कौन सी कमी है, कौन सी चीज़ सही है, ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है। क्योंकि देखो जब
हम शुरू शुरू में चलाते हैं ना, तो उसमें कुछ पता नहीं चल पाता है। तो ये मान लीजिए आप 5 या 10 किलोमीटर अगर आप लेके भी जाते हैं बाइक को, तो बाइक में कोई भी कमी, कोई भी इशू वगैरह नहीं आने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जब आप बाइक चलाएंगे ना, उसके बाद ही आपके सामने इश्यूज़ वगैरह आने शुरू होते हैं। क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी को ओन किया है, तो मैंने यही वाली चीज़ों को फेस किया है। जब मैंने शुरू शुरू में ली थी, तो गाड़ी का पिकअप वगैरह, गाड़ी की हर चीज़ बहुत बढ़िया थी, बहुत ही उमदा थी, बहुत ही बढ़िया लेवल की थी। तो लेकिन जब धीरे धीरे करके चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, तो भैया वही है कि पैसे, फिर पैसे वगैरह खर्च होने शुरू हो गए भाई। तो ये वाली चीज़ है ना। तो फिर भाई तीसरे फिर आ जाते हैं भैया, देखो चौथे पॉइंट पे, चौथा पॉइंट ये हो जाता है कि इंजन को चेक ज़रूर करवा लीजिए कि इंजन पूरा खुला हुआ तो नहीं है, कि उसका रिंग पिस्टन वगैरह तो नहीं बंधा हुआ है, या फिर सारी चीज़ें अगर बंधा हुई है तो वो लोकल मैकेनिक शॉप पे हुआ हुआ है या फिर कंपनी में हुआ हुआ है। क्योंकि दो तरीके से इंजन वगैरह बनते हैं, एक तो आप कम बजट में इंजन को सही करवा लेते हैं, जिसमें कि बोरिंग वगैरह होता है, तो जो उसका हेड सिलेंडर होता है उस पर मशीन पे जाके उसका थोड़ा सा वर्क वगैरह होता है उसमें, और पिस्टन वगैरह ऐसी लग जाता है। तो एक तो ये वाली चीज़ होती है, और दूसरा जो होता है, जो कि प्रॉपर शोरूम पे से लेके आप आते हैं, उसका हेड सिलेंडर और रिंग पिस्टन वगैरह दोनों चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं। तो ये वाली चीज़ें आप मेक श्योर कर लीजिए कि बाइक खुली हुई तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक होता है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि आप जब राइड कर रहे हैं, तो कम से कम बाइक को ऐसे चला के देखिए, अगर बाइक का हैंडल वॉबल कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो समझ जाइए कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, या फिर उसमें थोड़ा सा कुछ काम वगैरह हुआ हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैटर कर जाती हैं। तो यह कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी जो आप अगर बाइक लेने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।